नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। दलित अत्याचार के मुद्दे पर संसद में जोरदार हंगामा। लोकसभा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, उनकी सरकार में कम हुआ दलितों पर अत्याचार, कांग्रेस ने की संसदीय जांच की मांग। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता ने की खुदकुशी, पार्टी के ही एक कार्यकर्ता पर लगा यौन उत्पीड़न का इल्जाम, पार्टी नेताओं पर शिकायत की अनदेखी का आरोप। बाबरी मस्जिद केस में पैरोकार हाशिम अंसारी का निधन, 96 साल की उम्र में ली अयोध्या में अंतिम सांस, करीब 65 साल से लड़ रहे थे मुकदमा। पंजाब की सियासत में सुर्खियों में आए पूर्व ओलंपियन परगट सिंह और इंदरबीर सिंह, अकाली दल ने किया सस्पेंड, अनुशासनहीनता का लगाया आरोप। दिल्ली के सीएम का आरोप, पीएम के साथ बैठक में मुझे और कुछ मुख्यमंत्रियों को नहीं ले जाने दिया गया मोबाइल फोन, सुरक्षा कारणों का। कि इनमें से एक विधायक परगट सिंह आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं। आम आदमी पार्टी अगर बीजेपी के पाले से नवजोत सिंह सिद्धू को खींचने के बाद परगट सिंह को भी पार्टी में शामिल करती है तो यहां उसे बड़ा फायदा हो सकता है। और अब रुक करेंगे अगली खबर का।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक में उन्हें और कुछ अन्य मुख्यमंत्रियों को मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं दी गई। एक कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए केजरीवाल ने बताया कि उन्होंने इस मुद्दे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष उठाया और आश्चर्य जताया कि क्या उनसे सुरक्षा को खतरा है। सीएम केजरीवाल ने खुलासा किया कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी फोन नहीं ले जाने दिया गया, लेकिन उन्होंने जब इस पर आपत्ति जताई तो उन्हें फोन ले जाने की इजाजत दे दी गई, लेकिन इसके बाद ममता को बोलने की अनुमति नहीं दी गई, जबकि उनके भाषण में बाधा भी डाली गई। केजरीवाल ने पूछा कि अगर केंद्र विपक्ष की आवाज सुनना नहीं चाहता है तो उन्हें आमंत्रित क्यों किया गया। उन्होंने कहा कि अन्य ने विरोध नहीं किया, हो सकता है कि सीबीआई के दायरे में होने के कारण उन्होंने ऐसा किया हो। और अब चलते हैं अगली खबर पर। बुरहान वानी का पाकिस्तान और आतंकियों से कनेक्शन के पक्के सबूत मिले हैं। जमात उद दावा के सरगना हाफिज सईद ने पाकिस्तान में काला दिवस मनाने के दौरान गुजरावाला में खुलेआम कहा कि बुरहान ने एनकाउंटर से पहले उससे फोन पर बात की थी। उसने दावा किया कि बुरहान ने बातचीत के दौरान उससे कहा था कि मेरी जिंदगी की ख्वाहिश थी कि आपसे बात करूं। अब ख्वाहिश पूरी हो गई। हाफिज सईद ने कहा कि बातचीत के चंद दिनों बाद ही बुरहान के ढेर होने की खबर सामने आई। आपको बता दें कि सईद ने कश्मीर घाटी को फिर से सुलगाने की कोशिश में पाकिस्तान में मंगलवार को कारवा निकाला था। इसी कारवा में उसने कहा कि बुरहान ने उससे भारतीय सेना से निपटने और उसे हराने की तैयारियों पर चर्चा की थी। और अब रुक करेंगे अगली खबर का। भारतीय हॉकी के जाने माने नाम मोहम्मद शाहिद का गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया है। शाहिद पिछले काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। भारत के लिए ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले हॉकी टीम का हिस्सा रहे शाहिद को लीवर में समस्या थी और इसी के चलते उन्हें वाराणसी से दिल्ली लाया गया था। उसके बाद से वो पिछले करीब 20 दिनों से जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। शाहिद ने मॉस्को ओलंपिक के दौरान भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अपने बेहतरीन हॉकी से सबका दिल जीतने वाले शाहिद मैदान पर तो चमके ही, मैदान के बाहर भी उन्हें खूब सम्मान मिला। आपको बता दें कि 1981 में उन्हें अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था। इसके अलावा 1982 के एशियन गेम्स में रजत पदक और 1986 के एशियाड खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम का भी वे हिस्सा थे। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी ने डोनाल्ड ट्रंप की उम्मीदवारी का औपचारिक ऐलान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप अपने 16 प्रतिद्वंदियों को पछाड़ते हुए उम्मीदवारी हासिल करने में सफल रहे। ट्रंप को 1,237 डेलीगेट का समर्थन मिला है। ट्रंप ने ट्विटर पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वह कड़ी मेहनत करेंगे और पार्टी का मान ऊंचा बनाए रखेंगे। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका फर्स्ट का नारा भी दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला 8 नवंबर को होने जा रहे चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की संभावित उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन से होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।